60 साल की उम्र में तीसरा ब्याह किया था। हम एक बार बोल दिए थे ना पाकिस्तान वाले को, तो कह रहा है कि उसके पास हैसियत है। उस हिसाब से अंबानी के पास तो इतना हैसियत है कि पूरा पाकिस्तान से उठा लाएगा। पहले हमको लगता था इन्हें इमरान चाचा कहाँ है, जेल में बेचारा। ऐसा ब्याह जल्दी कर लिया तो जेल चल गया, फंसा दिया सर। 60 साल की उम्र में तीसरा ब्याह किया था। देखिए, बाकी ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान या किसी एक ही मजहब के लोग दो शादी करते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे किसी भी धर्म में मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो दो चार शादियां किए हों। ऐसा कोई धर्म अछूता नहीं है, लेकिन जब आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करके इसे आप स्वीकार करने लगेंगे नहीं कि गलत क्या किया, गलत क्या किया, तो आप बदनाम हो जाएंगे। समझे, समाज में, भारत में आज भी अगर कोई 60 साल की उम्र में शादी करेगा ना, तो कोई मना करने नहीं जाएगा उसको, लेकिन सब कहेंगे सर यार 60 साल की उम्र में ब्याह किया, गलत किया। हम एक बार बोल दिए थे ना पाकिस्तान वाले को, तो कह रहा है एक वहां पे कि उसके पास हैसियत है, वो शादी कर लिया 3 शादी। हमरा कह रहा है तुम्हारी हैसियत है, बात समझिए। उस हिसाब से अंबानी के पास तो इतना हैसियत है कि पूरा पाकिस्तान से उठा लेगा, खाली हो जाएगा उधर सब, ऐसे ही घूमेगा से कहां गए सब ले। मेंटेलिटी बताता है कि कितना सोच इन सो का पीछे है। पहले हमको लगता था इन्हें पढ़ा लिखा के सही किया जा सकता है, हमने ये भरोसा ही खत्म हो गया। अब एक ही उपाय है, ज्यादा मात्रा में जेसीबी लाओ, लगाओ, अरब सागर में उलट दो, कोई उपाय नहीं इनसे। बाप रे बाप, इतना अजीब टाइप का सोच है। पहले जमाने में बहुत शादियां होती थी, उस समय लोगों के पास कोई मतलब समाज उतना आगे गया नहीं था यहाँ पे। अब आप उठा के लाइएगा राजा दशरथ जी के समय का कहानी उठा के, तो अरे उस समय का काल था वहां पे, मध्य काल तक में देखेंगे 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी तक में लोग 2-2, 4 ब्याह कर लेते थे। अभी कहाँ, आजकल तो एक ब्याह में लोग कान में से धुआं छोड़ दे रहा है। पहले की लड़की सब नथी, सब शिक्षा नहीं मिलता था तो उनको उनको लगता था कि घर ससुराल मिल गया, खाने को मिल ही रहा है, दुगो पति दुगो ब्याह कर लिया। तो हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है, लिबर्टी के साथ लाइफ होना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ के साथ साथ लिबर्टी भी होनी चाहिए, लाइफ के साथ साथ लिबर्टी, मतलब तो उसकी अपनी मानसिक। अब किसी को खाना दे जाए, थाली में रखे खा ले रे, खाना तो आपने दिया, उसकी पर्सनल लिबर्टी आपने छीन लिया। तो लाइफ के साथ साथ क्या होना चाहिए, लिबर्टी। तो पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको साथ पर्सनल लिबर्टी का उनको कोई मतलब ही नहीं था। आप तो पढ़ी लिखी हो गई हैं, देखिए पढ़ी लिखी हुई है तो अपना अधिकार मांगिए, लेकिन ये कभी मत कहिए कि मैं पढ़ी लिखी हूं। पढ़ के एहसान नहीं कर दिए किसी के ऊपर। किसी लड़का से सुनी हो कहते कि मैं पढ़ा लिखा हूं, कहेगा तो 4 गरिया देंगे, देते ही वो अलग पढ़ने पड़े का। तो गांव में हर गली में घूमत ग्रेजुएशन करके। अच्छा एक होता है कि पढ़ी लिखी है कहां से, तो IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, एम्स दिल्ली, ऐसे पढ़ के अगर कोई बोले कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो थोड़ा समझ में भी आता है। हमको नहीं पता है कि तुम फर्जी एग्जाम देने गए हो लोग खाली ग्रेजुएशन में, और वो फोन आ जाता है नकल करने के लिए, 4000 रुपया दीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, 4000 सेकेंड ईयर, 4000 थर्ड ईयर में, 5000 कर दिया। और उस पर अगर कोई कहे कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो मन करता है खोपड़िए धोखे पढ़ी लिखी है। होता है एगो रिलेटिव में हमने ना भाभी लगी कहीं से, तो बार बार अपने ससुराल में धमकी देते मैं पढ़ी लिखी हूँ। एक दिन इत्तेफाक से छुट्टी में हम भी गए थे, हमरो सामने बोल दी इन लोगों को क्या पता मैं पढ़ी लिखी हूँ। हम कहे कौन ऑनर्स था आपका, तो कहीं ज्योग्राफी। डोलड्रम क्या होता है, डोलड्रम 4-5 को सवाल पूछे। अच्छा अगर मास्टर ये सवाल यही बनाइए कि हमको पूछना है कि आपको फंसा देना है क्वेश्चन में, तो तब तो कहियो ना जवाब दे पाएंगे, जबकि हम शुरुआत में नॉर्मल पूछे थे ना। ओके बात से तो उसकी सास जब भी अब कहती है ना कि हमें पढ़ी लिखी हूँ, तो कह कुल बुझा गए कितना पढ़ल पढ़ी तू। अब बेचारा का बोलती है बंद हो गया है, उसको ना नामे उसका रख दिया सर डोलड्रम, जबकि विश्वत रेखा के पास निम्न दाब के क्षेत्र हो गया डोलड्रम, भर मोहल्लाओं का नाम क्या हो गया डोलड्रम। अब हमारा देख ले देखते एकदम मास्टर हो गए ना, तो सवाल पूछा था ना। उसका नाम क्या हो गया डोलड्रम।